बार आपने सुना होगा कि इन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, इनको बहुत ही ज़्यादा खट्टा खाने का मन है, चटपटा खाने का मन है, और साथ ही साथ अगर आपको अचार वगैरह की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर कई बार बहुत सारी महिलाओं को मीठा खाने की इच्छा करती है, तो सबके पीछे एक रीज़न होता है। तो ये सब भी आपके एक प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। वो किस तरह से लक्षण होते हैं सबके बारे में ये कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस बाय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होना एक छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। आपके शरीर में एक नन्हा सा जाइगॉट ने जन्म लिया है, वो आपकी गर्भाशय की दीवार पर चिपक गया है। चिपकने के बाद होता क्या है कि आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन का उतार चढ़ाव हो रहा है। आपने बीटा एसीजी का नाम सुना है, जिसे हम लोग प्रेगनेंसी के हार्मोन से जानते हैं। वो बीटा एसीजी का जो लेवल होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि वो हर एक दिन अपने आप को 4 गुना मल्टीप्लाई करता जाता है। तो जब उसकी लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होता है, तो उसकी मात्रा अगर तेज़ी से बढ़ती है तो होता क्या है कि कंप्लीट आपके बॉडी में चेंजेस हो रहा है। केमिकल चेंजेस तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ ये सारे केमिकल चेंजेस होने की वजह से आपको फिजिकल चेंजेस, जैसे कि मूड स्विंग्स होना, सर में दर्द होना, सर चकराना, या फिर बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील करना, खाने की इच्छा ना होना, उनके साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होती है। आपको कई बार बाथरूम जाने की इच्छा करती है, कई बार महिलाएं काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, कई बार उनके पेट में हल्का हल्का सा पेन होने लगता है। तो ये तमाम तरह के जो सिम्टम होते हैं, उसके साथ ही साथ एक जो इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है वो होता है आपके जीभ का स्वाद बिगड़ जाना, आपके मुँह का स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाता है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस की वजह से होता है, और ये सारे जो केमिकल चेंजेस आपके शरीर में दिखते हैं उसकी वजह से ये सारे फिजिकल चेंजेस भी लगते हैं। तो क्या होता है कि जब भी, अगर आपने कई बार मूवीज़ में सुना होगा, वीडियोज़ में सुना होगा कि अचार खाने का मन कर रहा है, खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो जी हाँ, ये बातें बहुत सही हैं। क्योंकि जब आपके मुँह का स्वाद बिगड़ने लगता है, आप नॉजियाटिक फील करते हैं, वॉमिटिंग जैसी आती है, तो कई बार अगर आपको नॉर्मल केसेस में भी अगर आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है, तो आपके घर में मम्मी क्या करती थी, नींबू का अचार खिलाती थी कि चलो नींबू का अचार खिला लो, या फिर नींबू को आप नमक के सहारे थोड़ा थोड़ा सा काली मिर्च लगा के आप चाट लीजिए, आपका जो अर्ज है वॉमिटिंग का वो दब जाएगा। लाइकवाइज इसी तरह से अगर कुछ, अगर आप खट्टा खाते हैं, तो खट्टा खाना, जैसे कि अचार खाना, नींबू का अचार खाना, इससे होता क्या है कि आपके जो मुंह का स्वाद है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और चेंज होने के साथ साथ आपका मूड भी चेंज हो जाता है। तो इस वजह से जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, स्टार्टिंग में उनको बहुत ज़्यादा अचार खाना, चटपटा चीज़ खाने का बहुत ज़्यादा मन कर जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसको आप एक सिम्टम मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। और जैसे ही अगर आपकी सॉल्ट की क्रेविंग दूर हो जाती है, या फिर आप अपने माइंड को थोड़ा सा डेविएट कर लेते हैं, तो आपको अच्छी फीलिंग आने लगती है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आप अपनी जो मॉर्निंग सिकनेस है उसको भी बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आप छोटी छोटी सी चीज़ें अगर ले रहे हैं। एक सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है, मुझे अभी याद आया, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगा अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो यकीन मानिए दोस्तों, मैंने कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट्स वहाँ पर बताए हुए हैं, जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत हद तक कम लगेगी, खाने पीने की इच्छा करेगी। अगर आप अच्छे से खाइएगा पीजिएगा तो आपका जो शरीर है वो अच्छा रहेगा, आपके गर्भस्थ शिशु को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, जो कि आपकी पूरी गर्भावस्था के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ये जो लक्षण आ रहे हैं उसके साथ ही साथ आप मेरी वो वाली वीडियो भी देखिए, जहाँ पर आपको समझ पाएगा कि आप अपनी वॉमिटिंग को कैसे कंट्रोल करिएगा, ताकि आपके शरीर में खाना लगना, भोजन लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर मैं मीठे क्रेविंग की अगर मैं बात करूँ, तो मीठे क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा लक्षण होता है, जो कि महिलाओं को दिखाई देती है। होता क्या है कि जब आपके शरीर में जायगॉट चिपकता है, तो वो पूरी की पूरी एनर्जी आपकी लग जाती है बच्चे को बनाने में। तो आप जो भी नॉर्मल जो डाइट खाते हैं, तो होता क्या है कि आपके जो शुगर का इंटेक है, जो ग्लूकोज आपकी मात्रा में, जो शरीर में जो मात्रा होती है ग्लूकोज की, वो पूरी की पूरी एनर्जी लग रही है उसको बनाने में। तो आपको अचानक से मीठे की क्रेविंग भी आने लगेगी कि कुछ आपको मीठा खाऊं, पानी पीने के पहले आपको लगेगा कि थोड़ा सा मीठा खा लूँ, कुछ अंदर से इच्छा खुद से करने लगती है, क्योंकि शरीर में जिस भी चीज़ की कमी होने लगती है, शरीर उसका डिमांड करने लगता है। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि वो चौक खाती हैं, वो इस तरह की जो मिट्टी वाली चीज़ें होती हैं वो खाती हैं, वो इसलिए वजह से खाती हैं ताकि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है।
कैल्शियम की कमी होने की वजह से वो चौक का खाने का इस्तेमाल करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि शरीर आपका मतलब डिमांड करने लगता है। अगर कोई भी चीज़ें आप इसको डेफिसिट कर दीजिएगा तो उसकी डिमांड वो करने लगेगा। लाइकवाइज आपके शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी रेगुलरली यूज़ हो रही है, तो डिमांड करेगा आपका शरीर कि आप थोड़ा सा और मीठा खा लीजिए। तो इस वजह से अगर आपको मिठाई खाने का मन करता है, थोड़ा सा ग्लूकोन डी पीने का मन करता है, शरबत पीने का मन करता है, जूसेस पीने का मन करता है, तो ये सारे जो आपके सिम्टम हैं वो आपकी प्रेगनेंसी के हैं, जिसको आप इग्नोर मत करिएगा। तो प्रेगनेंसी के वीडियोस के ऊपर मैंने 10 ऐसे सिम्टम बताए हुए हैं जिसमें से अगर आपको 6 भी मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। लेकिन ये दोनों भी सिम्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है या फिर आपको अचार खाने की क्रेविंग हो रही है तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण होता है जिससे कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। जिनको भी खुशखबरी आने वाली है, जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Prince My World।